स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर सारजे में। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर P150 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बजाज कंपनी ने फिर से एक स्पोर्ट बाइक लॉन्च किया है, जिस बाइक में आपको एक अच्छा खासा फीचर्स देखने को मिलता है। और यहीं पर हम बात करेंगे इसके फीचर के बारे में, साथ में इसका लेटेस्ट प्राइस भी बताएंगे और क्या क्या फ़ीचर्स मिलता है और कितना कुछ प्राइस है, ऑन रोड शोरूम प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस, माइलेज कितना निकाल लेती है, सारे डिटेल्स देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर लें दोस्तों, बजाज पल्सर P150 में आपको मिलता है 5 कलर ऑप्शन। 5 कलर ऑप्शन में से आपको रेड मिल जाता है, ब्लू मिल जाता है, वाइट मिल जाता है, ग्रे मिल जाता है और एक आपको फ्रेंड्स ऑल ब्लैक मिल जाता है। टोटल 5 कलर ऑप्शन के साथ यह बाइक आती है। और फीचर के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, तो मीटर कंसोल मिलता है आपको फुल्ली डिजिटल और हेडलैम्प मिलता है आपको फ्रेंड्स प्रोजेक्टर लाइट LED का और हेडलैम्प के ऊपर में आपको DRL भी देखने को मिलता है। टेल लैम्प भी मिलता है आपको LED का। डुअल चैनल ABS का फीचर से मिलता है बजाज पल्सर P150 में, क्योंकि ये बाइक हाल ही में लॉन्च हुआ है, बिल्कुल अभी न्यू लॉन्च हुआ है। और इसके लुक और डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात कर लें, तो बजाज पल्सर N160 से इसका लुक और डिज़ाइन बिल्कुल मिलता है। N160 का जैसे ये टैंक काउल है, वैसे ही आपको इसमें टैंक काउल देखने को मिलता है। मिरर कंसोल भी आपको N160 की तरह बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। फुल्ली डिजिटल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्लस एनालॉग बिल्कुल N160 जैसा आपको देखने को मिलता है मिरर कंसोल। सीट की अगर बात की जाए तो सीट मिलता है फ्रेंड्स आपको सिंगल में भी और स्प्लिट में भी आपको सीट देखने को मिलता है। यानी सिंगल डिस्क में आपको सिंगल सीट मिलता है और डुअल डिस्क में आपको ये डुअल सीट मिलता है, यानी दो हिस्सों में आपको सीट देखने को मिलता है। बाकी दो वेरिएंट के साथ ये बाइक आती है, एक सिंगल डिस्क वेरिएंट और एक डबल डुअल डिस्क वेरिएंट। सिंगल डिस्क का दोस्तों प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस 1,16,000 के अप्रोक्स में और डुअल डिस्क का 1,19,000 के अप्रोक्स में। 3,000 का डिफरेंस है सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क में। ऑन रोड शोरूम प्राइस की अगर बात की जाए दोस्तों, उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड शोरूम प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ का दोस्तों ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,38,000 के अप्रोक्स में P150 का सिंगल डिस्क का, और डुअल डिस्क का 1,42,000 के अप्रोक्स में ऑन रोड शोरूम प्राइस है। और आपके एरिया में क्या ऑन रोड शोरूम प्राइस है आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगले स्टेप की तरफ बात कर लेते हैं इसके रियर टायर साइज के बारे में। तो रियर टायर साइज फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 120x80 का यहाँ पे आपको रियर में टायर देखने को मिलता है। फ्रंट में भी आपको 90x90 का टायर साइज देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं व्हील्स का डिज़ाइन है। और अब इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों माइलेज के बारे में। तो माइलेज की अगर बात की जाए तो 50 का माइलेज कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये बाइक निकाल लेती है, लेकिन मेरा जहाँ तक कहना है कि ये बाइक 50 नहीं तो 40 प्लस आराम से माइलेज दे देगी, क्योंकि 150cc सेगमेंट की बाइक है, जैसे कि बजाज पल्सर है, TVS अपाची है, तो ये सब भी बाइक आराम से 40 to 45 का एवरेज आराम से निकाल लेती है। तो मेरा भी यही कहना है कि इतना एवरेज ये लेके जाएगी। और इस बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने वीडियो के शुरू में जितना कुछ बताया था, माइलेज, प्राइस, रिव्यू, मैंने टोटल आपके सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अभी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।